ना डोला मुदे ने डोला मुदे ने गुली डोला मुदे ने चाली तो नहीं पता पर कर अपने को नहीं है सच नहीं साबन लग नहीं है गाड़ी ना फोड़ डाल गाड़ी ना खरीदा तू नहीं लगी तो फेंक दो फेंक दे पूजा का पानी हाय गाइस, आप सबका आरती बघेल ब्लॉग्स में स्वागत है। हम आज दुल्हन आने वाली है, चलो चलते हैं अब वहीं चंदन के यहाँ गाइस, जहाँ शादी हो रही है अपने मोहल्ले में ही है। मेरी मम्मी भी आज चली गई है पतौरा में शादी थी, मैं अकेले हूँ, दादी जो लोग चली गई हैं। अब मैं रेडी हुई हूँ, अब मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ वहाँ क्या होता है, थोड़ा बहुत वीडियो बनाऊँगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं, दो तीन दिन से सोई नहीं शादी के चक्कर में, 3 बजे 4 बजे सोई हूँ गाइस। तो थोड़ा बहुत दिखाऊंगी हम लोग के यहाँ बघेली में जब दुल्हन आती है तो कैसा रस्म होता है। चलिए आप लोग, मैं यहाँ आ गई हूँ जहाँ शादी हो रही है। पता है आप लोग को, बारात आने के पहले यहाँ औरतें खाती हैं, उसको गोरैया बोलते हैं, गोरैया गोरैया बोलते हैं। तो खा रही आप लोग को दिखा रही हूँ, बहन बुआ जी भाभी ये सब लोग खाती है और ये सब खा रहे हैं इधर बैठ के लाइन लगा के, और मंडप के नीचे ही खाएंगी और कहीं नहीं खाएंगी। और सब आइटम दिया जाता है, नमकीन बूंदी कढ़ी, कढ़ी तो इसका इम्पोर्टेंट रहता है, कढ़ी जरूर बनेगी, चाहे कुछ बने चाहे ना बने। चल रही है तैयारी देवी जाने के, पहले दुल्हन आती है तो देवी जाती है, उसके बाद आगे कार्यक्रम होता है। सब बुआ जी लोग तैयार बैठी हैं कि चलो नम आए, सब लोग चले देवी के, सब आगे पीछे घूम रहे हैं, कहाँ जगह मिल जाए तो चढ़ के बैठ जाते हैं। लगता है दूल्हा दुल्हन को उतार देंगी, सब बैठ के चली जाएंगी। और इन लोग भी बारात में गई थी, ये बराती आ गए राजा मजा लेके। ये भाभी लोग खड़ी हैं जाने के लिए देवी जी। तो गाड़ी जा रही है एकदम ऐसी लदी हुई है कि बाहर दुल्हन चली जाती है अपने कुल देवी के दर्शन के लिए, जब तक परछन की तैयारी हो जाती है। जब दुल्हन आती है पहले हम लोग के यहाँ तो परछन करते हैं सब लोग, तो वही परछन की तैयारी कर लेती हैं औरतें। और देखिए देखते देखते दुल्हन भी आ जाती है गाइस। अब परछन की तैयारी चल रही है, धूप बहुत तेज है गाइस, नई दुल्हन आ गई है रौनकों में गाइस। हां, सजावट हो जा रही है, ये सजावट हो रही है, और ये तो सजावट करने दिव्य, और ये तो सजावट कर रहे हैं राजा। दुल्हन के वेलकम के लिए तैयारी चल रही है गाइस, और ये दुल्हन की ननद घूम रही है इधर पास लिए हुए, सोच विचार करते हुए क्या करना क्या नहीं। देखिए गाइस परछन होने लगा, पहले परछन उसकी मम्मी करती हैं, और परछन पता है सूपे में लेके उसमें दिया हुआ जला के फिर पूजा पाठ करके दुल्हन को पूजा करती है। देखिए उसकी मम्मी कर रही है पूजा, परछन करके अपनी बहू को ला रही हैं स्वागत में। ऐसा होता है हम लोग के बघेली में गाइस, पूछ रही हैं क्या होता है। और देखिए गाइस पूरे दूल्हा रात भर जगा होगा, दुल्हन का तो चेहरा नहीं दिख रहा, ढका हुआ है, दुल्हन की एकदम आँखें लग रहा, दूल्हा की आँखें लग रही जैसे सो जाएगा रात भर जगा। देखिए आँखें गाइस क्या, कुछ तो शादी का लड्डू है, जो खाए पछताए जो ना खाए पछताए। देखिए कैसा बैठा हुआ उदास रखा पूरा दुल्हन का जो पाई है। परछन के बाद फूफो का नंबर आता है, और फूफो गाड़ी को ढकी हुई है, पता है ये क्या है, पहले ज़माने में इसको कहते थे डोला मुदाई, तो भाई डोला मूंदी हुई है, पर डोला तो है नहीं तो गाड़ी मूंदनी है। रसम होता है ना, अब भाई से अपने नेक मांग रहे हैं, दूल्हे के पापा से नेक मांग रहे हैं, जब नेक नहीं देंगी तभी फूफो लोग हटाएंगे। हम बघेलियों के गाइस बहुत नियम होते हैं, देखिए अब
डोला मुदाई परछन के बाद ये कुछ दूसरा नियम चलने लगा। ये लिए हुए हैं मूसर और जिससे मथनिया, जिससे माठा भाते हैं ना, बड़ी वाली है जिससे भाते गाय, उसी को घुमा घुमा के पता नहीं क्या घर के अपनी औरतें कर रही हैं, चार पांच मिलके, फिर गाड़ी के नीचे भी देख रही हैं बार बार सात बार, ये पता नहीं ये दौरान जटानी क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ये मम्मी लोग के बहुत पहले पुराना ज़माना हो रहा है, अब देखेंगे इसको छुपा देंगे। मुझे लग रहा है दूल्हन को अच्छे से पहले ज़माने में ऐसा किया जाता था कि दूल्हा दुल्हन अच्छे से रहे या सभ्यता से रहे या इसी लेके आ जाता। प्रोग्राम ख़त्म होते हैं, डोला मुदाई परचान और पता नहीं क्या, एक प्रोग्राम नहीं नाम जानती हूँ। फिर दुल्हन आती है बाहर, फाइनली बाहर निकलती है गाड़ी से गाइस, तो ये स्वागत होता है उसका। चावल को मार दी हैं, आ गई अंदर। दो फिर दुल्हन आ जाती है अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं कोहबर, कोहबर की पूजा पाठ होगी गाइस, तो देखिए पूजा हो रही है, फिर और रस्में चालू हो जाती हैं। अरे खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, अरे खवा दे, अरे खा जा, अपने बच्चे बता दे, हीमोग्लोबिन ना कम हो रही है, गिराइए गिराइए, चल चल जल्दी बाहर आओ, सात बार सात बार पहले बाबा साहब के निकलेगी, फिर उसके बाद सब लोग लेंगे बारी बारी से। खिचड़ी बांटना चालू हो गया, पता है आप लोग को, दूल्हा एक हाथ से देता है और दुल्हन दो हाथ से देती है, क्योंकि दूल्हे की मुट्ठी बड़ी रहती है ना, तो इसीलिए दूल्हा एक हाथ से और दुल्हन दो हाथ से देगी गाइस, पता चल जाता है हाथ की मुट्ठी बड़ी है कि छोटी है। अच्छा, इसलिए आपके लिए खिचड़ी का वो हो रहा है सिस्टम, यहाँ पास में भीड़ बहुत है, सब लोग ले रहे हैं गाइस, तो थोड़ा बहुत वीडियो बनाने की कोशिश की हूँ, जितना आम तक होगा ब्लॉग में बने रहिएगा। अरे अचिता देते रहेंगे हम लोग के बघेली में कैसे नियम चलता है, क्या होता है शादी में दूल्हा नाती है, तो ठीक है गाइस, आप वीडियो देखे बहुत इंजॉय करेंगे, इंजॉय मस्ती से, इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब गाइस। खिचड़ी कुबेरे के कार्यक्रम खत्म होने के बाद दुल्हन थोड़ा आराम करती है, आराम करने के बाद आती है तो मंडप के नीचे नहाना का नियम होता है, और ये पता किस में बैठी हुई है, जुए में बैठी हुई, जो पुराने ज़माने में हल से खेती होती थी ना, तो उनको पता है इसको जुआ बोलते हैं, और दूल्हा दुल्हन दोनों लोग बगल में आते हैं, तो ना उनका आगे नहलाती हैं, बैठते हैं तो नहलाएँगे गैस, सूख करेंगे थोड़ा हाथ पैर वो कर देंगी, फिर दुल्हन जाएगी तो अपना अच्छे से नहाए धोएगी गैस, फिर थोड़ा आराम करेगी, फिर आएगी तो और जो नियम होते हैं मंडप के नीचे वो करेगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे, बघेली के बहुत नियम होते हैं गैस, दुल्हन आके पूरा पूरी रात जगती है, शादी पहले कराती है, फिर यहाँ के नियम कर करके थक जाती है बेचारी। सब इधर बैठी हुई हैं एक दूसरी रस्म के लिए, सबकी एनर्जी डाउन हो गई है सुबह से, चार दिन से दुल्हन आने की खुशी में, इतनी खुशी से दुल्हन आ गई, सब हो गया धीरे धीरे, सबकी वो हो रही है एनर्जी डाउन हो रही है गाइस, इंतजार के बाद दुल्हन आखिरकार आ गई गाइस, लंबे इंतजार के बाद ये आ गया चंदन जी, चलो रस्म चालू करो गाइस। ना उन काकी नहलाती हैं, उसे नहाने धुलने के बाद दूल्हा नहाती है मंडप के नीचे, तो ये कंकड़ बोलते हैं, कंकड़ निकालना का काम चालू हो जाता है, बुआ जी लोग बांधती, दोनों पक्ष की बुआ बांधती हैं, तो देखिए लड़की निकाल रही है, पता लड़की दो हाथ से निकालेगी और लड़का एक हाथ से निकालेगा गाइस, बस यही हम लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, देखो कौन निकाल पाता है, बहुत टाइट बुआ लोग बांध लेती हैं दोनों, देखिए निकालने में लगी हुई हैं। फिर इस रस्म के बाद दूसरी रस्म चालू होती है गाइस, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किए हम लोग, चंदन पाजा।
पूजा का पानी ये सब कार्यक्रम कराते करते शाम हो जाती है, फिर पंडित जी आ जाते हैं तो पंडित जी कथा सुनाई सुनवा देते हैं। ये था आज का ब्लॉग, आज ब्लॉग में इतना ही। ये ब्लॉग पसंद आए जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करिएगा। अगले ब्लॉग में आपको फिर दुल्हन भी दिखाऊंगी, ठीक है, दुल्हन मुंडा।